मां वैष्णो के भवन में स्काईवॉक का कार्य अंतिम चरणों में, सितंबर के महीने में स्काईवॉक का कार्य पूरा होने की उम्मीद। नवरात्रों के पवन पर्व पर होगा स्काईवॉक का शुभारंभ। सरकार के विकास के दावों की खुल रही है पोल। बसोली के ग्रामीण इलाके सड़क संपर्क से वंचित, मरीजों को पालकी में उठाकर लोग पहुंचाते हैं अस्पताल। इको फ्रेंडली मोबिलिटी को नहीं मिल पाया बढ़ावा, बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम फिसड्डी हो रहा साबित, सरकारी खजाने को बर्बाद करने के लग रहे हैं आरोप। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। शुरुआत करते हैं, वैष्णो देवी मंदिर में जल्द ही भवन के पास बन रहे मां के भक्तों को स्काईवॉक की सुविधा मिलने जा रही है। इस स्काईवॉक की लंबाई करीब 200 मीटर है और चौड़ाई 2.5 मीटर है। ये स्काईवॉक भवन के भीतर और बाहर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए अलग अलग रास्ते प्रदान करेगा। यह ट्रैक लेवल से 20 फीट ऊपर होगा। इस स्काईवॉक बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बैठने की भी व्यवस्था है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के बैठने के लिए 2 वेटिंग हॉल और वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध होगी। तो आपको बता दें, वैष्णो देवी मंदिर में जो आने वाले श्रद्धालु हैं, लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक राहत की खबर है। आपको बता दें, भवन के पास बन रहे मां के भक्तों के लिए स्काईवॉक की सुविधा बहुत जल्द वहां पर मिलने वाली है, श्रद्धालुओं को मिलने वाली है। और आपको बता दें, इस स्काईवॉक की लंबाई लगभग 200 मीटर है, लगभग 200 मीटर के आसपास है और चौड़ाई इसकी 2.5 मीटर है, यानी कुल मिलाकर ये काफ़ी लंबा स्काईवॉक होगा। और ये स्काईवॉक भवन के भीतर और बाहर जाने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उनके लिए अलग अलग रास्ते प्रदान करेगा, यानी अब पहले से अतिरिक्त सुविधा यहाँ पर जो है वो इन लोगों के लिए रखी गई है। और कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय में लोगों को ज़रूर यहाँ पर जो है वो सुविधा मिल सकती है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त सोनू जुड़ चुके हैं, हम इस खबर पर सीधे उनके पास चलते हैं। सोनू, जरा बताइए, ये स्काईवॉक कब तक कंप्लीट तैयार होगा और कब तक लोगों को जो है ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी? एक स्टैम्पेड हुआ था बहुत सारी लोगों की वहां पे जान गई थी, क्योंकि नया साल जो खुशियों से गुजरता था, मगर यहाँ के लोगों का सब जो गमी में गुजरा था, उसको लेके श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, क्योंकि जितने भी यात्री जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते थे, यहाँ से तो 2-3 रास्ते हैं, नया रास्ता है, बाणगंगा मार्ग है, और यहाँ से गुजरते हुए भवन में जब यात्री पहुंचते तो सारी भगदड़ एक ही साथ इकट्ठी हो जाती है। उसके कारण एक भगदड़ हुई थी, काफी ज्यादा लोगों की वहां पे जान गई थी। बिल्कुल, उसी को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक स्काई वॉक का निर्माण शुरू किया था 2021 में। मैं आपको बता दूंगी, ये वो निर्माण है, ये स्काई वॉक वो है कि जो भवन में जब माँ वैष्णो देवी के भगत पहुंचते हैं तो ये स्काई वॉक ऊपर से बनाया, फ्लाईओवर एक बनाया गया है कि आने वाले श्रद्धालु और जाने वाले श्रद्धालुओं का एक अलग से रास्ता बन जाएगा। इसका निर्माण इसी महीने आखिरी तक इस महीने का पूरा हो जाएगा, मगर नवरात्रों में इसकी ओपनिंग की जाएगी। जो भी यात्री श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के नवरात्रों में आएगा तो वो आने का रास्ता और जाने का स्काई वॉक के थ्रू आनंद ले सकेंगे, क्योंकि स्काई वॉक एक बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। यात्री जो श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आएंगे वो बेहद खुश होंगे। बिल्कुल, जो दबाव सोनू हमेशा वहां पर रहता था श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी, क्या उस दबाव को कम करने में ये अहम रोल निभाएगा, अहम भूमिका निभाएगा? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जिस कारण यात्री जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, यहाँ से बाणगंगा से जाते हैं, रोज के लगभग 30,000 से 40,000 यात्री जब यहाँ से जाता है तो भवन में इतनी यात्री रुकने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर यात्री इकट्ठे होते हैं तो वहां पे भगदड़ होने का चांस रहते हैं। बिल्कुल, मगर जो अभी ये स्काई वॉक बनाया, स्काई वॉक को लेके जो श्रद्धालु जो है ये जो अलग मतलब बार बार अनाउंसमेंट भी करते रहेंगे कि जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं वो कृपया करके कटरा की ओर रवाना हो जाएं, और जो श्रद्धालु जो है, क्योंकि आने और जाने में जब श्रद्धालु एक साथ होते हैं तो काफी ज्यादा भगदड़ होने के कारण रहते हैं, मगर ये स्काई वॉक की वजह से जो श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और दर्शन करके वापिस जब आते हैं वो स्काई वे के थ्रू आते हैं, ताकि इतनी भगदड़ वहां पर ना हो तो श्रद्धालु जो है किसी श्रद्धालु को किसी चीज की दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
क्या सभी लोगों के लिए ये सुविधा रहेगी, सभी आम लोगों के लिए सुविधा रहेगी, या इसके लिए कोई जो उम्र है वो तय की गई है, कोई सीमित उम्र है? जी बिल्कुल, यहाँ पे इसके लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है, क्योंकि ये जो स्काई वॉक है ये वन वे है। वन वे मतलब आप समझ गए कि यात्री जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आएंगे जाएंगे वो इसी रास्ते जो रास्ता है वही जाएंगे, जब वापिस आएंगे तो वो स्काई वे के थ्रू वापिस आएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, ये स्काईवॉक की सुविधा जो है ये बहुत जल्द वहाँ पर श्रद्धालुओं को मिलने वाली है। अक्सर वहाँ पर भीड़ भाड़ देखी जाती है, वहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है, जिसमें वहाँ पर जाने भी जो है वो चली जाती हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये स्काईवॉक का निर्माण किया गया है और ये बहुत जल्द लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, सरकार द्वारा आए दिन ग्रामीण हलकों को सड़क संपर्क से जोड़ के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सरकार के इन दावों में कितनी सच्चाई है उसकी पोल खोल रहे हैं। जिला कठवा के बसोली के खाला इलाके के लोग, जहां इस आधुनिक युग भी लोग सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं और यहां लोगों को मरीजों को पालकी पर उठाकर कई किलोमीटर का पैदल सफर तय कर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। तो आपको बता दें, सरकार लगातार कहीं ना कहीं सड़क संपर्क से जोड़ने के जो दावे करती है हर ग्रामीण इलाके को या जो दूर दूर के इलाके हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़क जो है वो नहीं पहुंच पाई है और जिसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ता है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पालकी पर उठाकर मरीजों को जो है वो अस्पताल पहुंचाया जाता है और कितनी दिक्कतें इन लोगों को होती हैं। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त रंजीव मेहता इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रंजीव, ये तस्वीरें अक्सर निकलकर सामने आती हैं कि आखिर किस तरह से वहां पर जो है वो पालकी पर उठाकर मरीजों को ले जाना पड़ रहा है। बिल्कुल शीतल, ये जो मामला है ये पालकी पर उठाकर जो महिला को, जो बीमार महिला है उसको लेके जाने वाले लोग हैं। जो ये इलाका है हमारे कठुआ जिले का, जो बसोली सब डिवीजन का इलाका है, जो जिसकी सांदर पंचायत का खाला गांव है। ये खाला गांव की आबादी की बात करें तो यहाँ पे 400 से 500 के करीब आबादी है और इनको जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह आप दिखा रहे हैं कि पालकी पर उठाकर लेके जाना भी लोगों के लिए दुश्वारी से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घोड़े का या खच्चर का चलने का रास्ता भी नहीं है। जैसे तैसे लोग इन पहाड़ों के, पत्थर के पहाड़ों पर जो चढ़कर अपने गांव तक पहुंचते हैं, अपने घर की जरूरतें को पूरा करने के लिए उनको मुशक्कत करना पड़ती है और इस तरह के मुश्किल रास्तों में जाना लोगों के लिए खतरे से खाली भी नहीं होता। इन स्थानीय लोगों की बात करें तो उनका मानना है कि, उनका कहना है कि हमने इस अपने गांव तक के लिए कच्चा रास्ता ही बनाने की गुहार लगाई है प्रशासन से, पर आज तक हमारी किसी ने नहीं सुनी। जब चुनाव होते हैं तो नेता लोग उनके इलाके में आते हैं और वोट मांगने के लिए मांगते हैं और हम लोग उनसे रास्ते की गुहार लगाते हैं तो वह लोग सिर्फ खाली मात्र कोरे दावे करके ही जाते हैं, लेकिन उनको, उनका जो रास्ता है आज तक नहीं बना है। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी वह लोग जंगलों से गुजर कर और पैदल पहाड़ों से उतर कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। रंजीव, तो रंजीव, क्या कभी वहां के लोगों ने कोशिश नहीं की प्रशासन के सामने ताकि वहां पर सड़क जो है वो संपर्क हो, वहां पर सड़क का निर्माण हो और इन आम लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं कम से कम उससे इन्हें सामना न करना पड़े? हाँ बिल्कुल शीतल, स्थानीय लोगों की बात करें तो इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जहां भी कोई बैठक होती है, जो उनके इलाके के नुमाइंदे हैं, पंच हो चाहे सरपंच हो, वह लोग हर जगह यही मसला उठाते हैं, लेकिन प्रशासन है कि उनकी बात को अनसुना कर देती है, जिसके कारण उनकी, उनके गांव का ये पैदल रास्ता भी तक नहीं बन जाता, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर पैदल जाने का रास्ता भी सही हो तो भी वह लोग अपने घोड़ों पे या खच्चरों पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पालकी से और पत्थरों पर हाथ से पकड़ पकड़ कर लोगों को चलना पड़ता है। ये खासकर बच्चों को काफी दिखते हैं, महिलाओं को काफी दिखते हैं, क्योंकि बच्चों को रोजाना यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे आकर एक प्राइमरी स्कूल है दूसरे गांव में, वहां पे आकर पढ़ना पड़ता है और जो 4 से 5 किलोमीटर है रोजाना उनके लिए ऊपर से नीचे आना और फिर जाना
बड़ी समस्या है और इस समस्या से निजात पाने के लिए लोगों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उनके गांव के रास्ता जो है वो नहीं बन पाया है। लोगों का कहना है कि अगर रास्ता सरकार बना दे तो वह लोग जी बाकी लोगों के लिए, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से पालकियों पर उठाकर ले जाना, अब आने वाली पीढ़ी जो है वो इस तरह के कार्य राजीव, करने में अगर सक्षम अगर भी नहीं मुख्य है। शहर की बात करें तो मुख्य शहर से कितना कितनी दूरी पर यह गांव बसता है जहां पर ये जो पालकी का जो बिल्कुल तस्वीर सामने आई ये है? जो सांदर सांदर जो इनका बड़ा गांव है वहां तक तो सड़क है, वहां से आगे की सड़क के लिए इन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है। और बसोली उपजिला से जो 25 से 30 किलोमीटर का इलाका है पड़ता है, यहाँ पे ये गांव बसता है और यहाँ से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना है। अगर इन लोगों को बसोली अपने जो इनका तहसील हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वहां तक आना हो तो इनका पूरा दिन जो है वो लग जाता है, क्योंकि ठीक पैदल वहां से आने जाने में काफी टाइम लगता है। फिर आकर सांदर से जो गाड़ी जो समय पर चलती है उसको पकड़ना होता है, फिर बिल्कुल वहां से समय पर ही आती है, तो इनका पूरा दिन जो है एक ही काम में लग जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। और जो आम लोग वहाँ पर जिन्हें दिक्कतें हो रही हैं, ये बसोली की तस्वीरें हैं जहाँ पर लोगों को जो है किस तरह से पालकी पर उठाकर मरीजों को ले जाना पड़ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं लोग भी ज़्यादा लगते हैं और लोगों का एक दिन या पूरा समय जो है इसी एक कार्य के पीछे चले जाता है, जिससे लोगों को कई सारी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि सरकार ज़रूर ये कहीं ना कहीं बातें कर रही हैं कि हम गांव-गांव को सड़क से जोड़ेंगे, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जम्मू में शहर में इको फ्रेंडली मोबिलिटी को बढ़ावा देने की पहल करते हुए पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम की शुरुआत की गई थी। सरकार अपने इस उद्देश्य को लेकर कितनी सफल हुई है, पेश एक रिपोर्ट। धूल फांकती हुई ये साइकिलें सरकार की इको फ्रेंडली मोबिलिटी को बढ़ावा देने की योजना की कहानी बयां कर रही हैं। इको फ्रेंडली मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जम्मू शहर में पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम की शुरुआत की थी। शहर में ये सिस्टम कितना सफल रहा, आइए इसकी कहानी जम्मू वासियों की जबानी सुनते हैं। जिस तरह से शहर भर में स्मार्ट सिटी के तहत जो साइकिल जो है पूरे जम्मू शहर में लगे हुए हैं, क्या आपने कभी उसको यूज किया है? बिल्कुल नहीं, हमने कभी उसको यूज ही नहीं किया हुआ है और यूज करना आता भी नहीं है कि होता किस हिसाब से, कोई समझ नहीं आती। जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने ये लगाए हुए हैं म्यूनसिपलिटी वालों ने, इसकी तो कोई इसको तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई 20% लोग भी इसको यूज करते होंगे। लोगों की माने तो इन साइकिलों का उपयोग शहर के कुल 20% लोग ही करते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं वो जिस साइकिल स्टैंड से साइकिल लेकर जाते हैं वहां दोबारा वापस ही नहीं आते। गूगल पे करते मारा साइकिल लेंदे दोबारा परती आंदा नहीं था वापस। लोगों में जागरूकता न होने के कारण सरकार का इको फ्रेंडली मोबिलिटी को बढ़ावा देने का उद्देश्य फिलहाल विफल नजर आ रहा है। लोगों के मुताबिक शहर में जगह जगह साइकिलें खड़ी कर सरकारी खजाने को बर्बाद किया गया है। इसका कोई फायदा कोई नहीं है, ये गवर्नमेंट ने ऐसे पैसे खर्च के बेकार किए हुए, जगह जगह हर जगह लगे हैं, इसका बेकार किसका कोई बेनिफिट कोई नहीं है। 100 में से 20% लोग इस्तेमाल करते हैं, 80% लोग नहीं करते। ये ऐसे पड़े ऐसे चाहे जैसे कूड़ा होता है ना, कूड़ा बस कूड़े का पड़े हैं। पैसा कहीं और लगाते हैं तो क्या हुआ, किसी का गरीब आदमी का काम आता। इन साइकिलों के रखरखाव को लेकर भी लोगों ने जम्मू नगर निगम और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड पर सवाल उठाए हैं। लोगों का आरोप है कि इन साइकिलों के रखरखाव के लिए दोनों ने कोई व्यवस्था नहीं की है, जिसके कारण इन साइकिलों को हर मौसम की मार सहना पड़ रही है। झाड़ू मारने वाला रोड पे झाड़ू मारता है तो झाड़ू मारता है, यहाँ कोई आदमी नहीं खड़ा कोई इसको देखभाल करे, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो मेरे पास मोबाइल नहीं है, छोटा मोबाइल है, मुझे यूज करना नहीं आता, और मोबाइल पैसे निकालने नहीं आते, कैसे करना बस।
इसका कोई फैला कोई नहीं है। सरकार द्वारा जम्मू में अपनी तरह की यह पहली पहल की गई थी, जिसके तहत जम्मू शहर के विभिन्न जगहों पर 60 डॉकिंग स्टेशन स्थापित किए गए थे। इनमें साइकिल पार्क करने के लिए और लॉक करने के लिए 10 स्लॉट होते हैं, लेकिन जागरूकता न होने के कारण लोग इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि सरकार का इको फ्रेंडली मोबिलिटी को बढ़ावा देने का उद्देश्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा। जम्मू से वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ अश्वनी चंदेल की रिपोर्ट। इको फ्रेंडली मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जम्मू शहर के विभिन्न स्थानों पर रखी गई साइकिलों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अफसोस जताया है। हाल ही में घाटी के सोपोरा में एक कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि बुनियादी ढांचा तो सरकार बना देगी, लेकिन जब तक शहरी स्मार्ट नहीं होंगे तो इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मानसिकता के चलते कैसे सरकार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा सकती है। उन्होंने समाज से इस तहर की मानसिकता को बदलने का आह्वान किया है। नहीं हो सकती क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन लोग ले रहे हैं, घूम रहे हैं। कुछ लोग हैं जो रातों रात उस साइकिल को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या इस तरह के काम से हम बेहतर सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम स्मार्ट बना देंगे, लेकिन अगर सिटीजन स्मार्ट नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह की सोच समाज में बदले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किश्तवाड़ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, किश्तवाड़ में एक कहीं ना कहीं नोटरी को लेकर एक विवाद निकलकर सामने आ रहा है। किश्तवाड़ में नोटरी का फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। वकीलों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। किश्तवाड़ पुलिस ने मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी है। ये बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त किश्तवाड़ से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, नोटरी का फर्जीवाड़ा जो है वो सामने आया है। एक बहुत बड़ी खबर। वकीलों की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में जो है वो तहकीकात करना शुरू कर दिया है, मामला दर्ज कर दिया है, और देखना होगा आने वाले समय में ये जो जांच है, ये जो तहकीकात है, ये किस दिशा में जाएगी। लेकिन उससे पहले ये जानकारी देना आपको बेहद जरूरी है कि किस तरह से नोटरी का फर्जीवाड़ा निकलकर किश्तवाड़ से सामने आया है, और जो वकील हैं उनकी शिकायत पर पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और किश्तवाड़ पुलिस ने मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी है। आपको बता दें, ये तस्वीर भी आपके सामने है। ये नोटरी का पूरा मामला निकलकर सामने आया है। ये नोटरी का फर्जीवाड़ा है और इस पर अब वकीलों की शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी किश्तवाड़ से अजय शान जुड़ चुके हैं। अजय जी, जरा बताइए ये क्या पूरा फर्जीवाड़ा है और किस तरह से ये निकलकर सामने आया? देखिए, जो आरोप लग रहे हैं कि जो नोटरी का सिस्टम है, एक जब इंसान जब एफिडेविट लिखता है, उसको टाइप करवाता है, जो भी उसने मैटर लिखना होता है वो लिखवा के उसको जो ऑथराइज्ड वकील होते हैं जो नोटरी करते हैं उनसे सिग्नेचर कराना होता है। लेकिन एक जो एफिडेविट है वो 6 तारीख को पकड़ा गया, जिसमें ये आरोप लग रहा है कि उसमें न सिर्फ जाली मोर लगाई गई है एक वकील की, बल्कि उसके दस्तखत भी फर्जी किए गए हैं, जिसके आधार पर जो कंसर्न वकील थे रविंदर गोस्वामी, उन्होंने वो अपने कब्जे में लेकर एफिडेविट जो है न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनके सामने रखा, और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। आरोप ये लग रहे हैं कि कुछ लोग कहीं ना कहीं अदालत के बाहर ऐसा धंधा कर रहे हैं कि उन्होंने फेक जो उन्होंने मोहरे बनाई है, स्टैंप बनाए हैं, और सिग्नेचर भी जो है वो फोर्ज कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मामला हो सकता है अगर इस पर इन्वेस्टिगेशन जिंदगी से नहीं की जाती है, तो ये मामला जो है आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो है भरोसे से होता है, ऑथराइज लोग ही इसको सिग्नेचर कर सकते हैं, लेकिन जो ये बाहर मार्केट में धंधा चल रहा है, बताया जा रहा है कि हजारों रुपए कमा रहे हैं लोग रोज के, तो कहीं ना कहीं मार्केट का नाम आ रहा है इसमें कि कुछ लोग जो टाइप करते हैं, जो एफिडेविट बनाते हैं, उनका ही कहीं ना कहीं संपर्क है बाहर लोगों के साथ, ठीक है, जो कि ये एक सिग्नेचर करके अपना धंधा चला रहे हैं। अजय जी, हालांकि पुलिस तक मामला पहुंच गया है, तो किस तरह से पुलिस अब इस पर कार्रवाई करेगी? देखिए, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, अभी किसी का नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रडार पर हैं, जिनमें खासकर जो टाइप करते हैं, जो एफिडेविट लिखते हैं वो लोग हैं, और कुछ जो मार्केट में लोग बैठे हुए हैं उनके नाम
बताया जा रहा है कि वो सब रडार पर हैं। पुलिस ने कल शाम को देर शाम को मामला दर्ज किया है और सकता है कि कुछ आने वाले समय में इसमें गिरफ्तारियां हो, लेकिन एक बहुत बड़ा मामला है क्योंकि जो एक एफिडेविट पकड़ा गया है, इससे पहले कितने इस प्रकार के मामले थे तो एफिडेविट बना के बाजार में लोगों को दिए गए हैं। क्योंकि ये जो मामला है इसमें बार एसोसिएशन भी अपना संज्ञान ले रही है, जैसे वकील जो कंसर्न थे उन्होंने अपनी कंप्लेंट की है, तो ये कहीं ना कहीं एक भरोसे का काम था जिस पर कहीं ना कहीं अब जो नकेल लग ही गई है, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा कर रहे लोग थे वो अभी तो खामोश हो गए, लेकिन उनको ढूंढ कर निकालना और उनको सजा देना एक चुनौती जरूर है पुलिस के पास। बिल्कुल, जो पुलिस से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई आईओ को नियुक्त करके, तो आने वाले दिनों में समय में कुछ ना कुछ गिरफ्तारी जरूर इसमें अमल आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैसी तमाम जानकारी के लिए। और ये किश्तवाड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज थी जिसमें नोटरी का फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कुछ लोग कोर्ट के बाहर हमेशा आप देखते होंगे किस तरह से वहां पर एफिडेविट बनाने का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, लेकिन वहां पर फर्जी साइन फर्जी सिग्नेचर करके जो है वो लोगों से पैसे हड़पने का काम किया जाता है। हालांकि ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंच गया है, पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दिया है। देखना होगा कि कौन कौन इस पूरे रडार पर आएगा, कौन कौन इस मामले में जो है वो संलिप्त है और पुलिस किस तरह से आगे इस पर कार्रवाई करेगी। बढ़ते आगे, लकड़ी चोरी के एक मामले में डीएफओ उधमपुर रूशल गर्ग ने वन विभाग के दो कर्मचारियों को निलंबित किया है। निलंबित किए गए ये दोनों कर्मचारी गोरिया में तैनात थे, जिनकी पहचान बीट गार्ड अविनाश शर्मा वॉचर राज सिंह के रूप में की गई है। 6 सितंबर को वन विभाग की टीम ने उधमपुर धर्मस्थल में रह रहे वेस्ट बंगाल के जयपति वर्मा के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। इस दौरान जयपति वर्मा के घर से अवैध लकड़ी बरामद हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने इस मामले में वन विभाग के इन दोनों का कर्मचारियों के शामिल होने का खुलासा किया था, जिसका कड़ा संज्ञान लेते हुए डीएफओ उधमपुर ने इन दोनों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल निलंबित किया है। इधर बिश्नाहा के सरोर इलाके में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ निगलने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान नसीम अहमद पुत्र मुस्ताक अली निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में की गई है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर मामले की तहकीकात शुरू की है। मृतक के भाई ने घरेलू कलेश के कारण आत्महत्या करने की बात की है। जो खत्म हुआ वो मेरा भाई छोटा, वो अपने बच्चे को लेके चली गई, इसीलिए जो भी कुछ किया उसने इसलिए किया, अपनी मर्जी से उसने शादी की, हम लोग से सलाह नहीं की। आज फिर हम लोग को भी नहीं बताया कि क्या दिक्कत है। फिर क्या मांग करते हैं? हम मांग यही करते हैं कि उसके बच्चे को लाए, उसके बाप को दिखाए और बच्चा हम लोग को दे, कल को वो शादी कर ले, हमारे भाई का बच्चा तो बेघर हो जाए। जम्मू के ब्लॉक भलवाल के गांव सिंबल आला में खराब मोबाइल नेटवर्क से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। इन लोगों के मुताबिक गांव में किसी भी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क ठीक नहीं है, जिसके कारण न तो उनकी मोबाइल फोन पर बात होती है और न ही इंटरनेट चलता है। खराब नेटवर्क का सबसे अधिक नुकसान गांव के दुकानदारों को उठाना पड़ रहा है। दुकानदारों के मुताबिक खराब नेटवर्क के कारण उनके ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। लोगों ने धमकी दी कि अगर जल्द उनके इलाके के खराब नेटवर्क को नहीं ठीक किया गया तो वह अखनूर रोड बंद कर विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। कि हमारा कोई ट्रांसैक्शन करते हैं, अगर कोई हमें ट्रांसैक्शन करता है उससे पैसे कट जाते हैं, हमारी साइड से जो है वो हमें ट्रांसैक्शन नहीं पहुंचती है, उसकी वजह से हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम काम भी कर रहे हैं, कहीं दुकान पे काम कर रहे हैं, हमारा गूगल पे जो चलता है वहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम इतनी हद से है कि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम से हम गुजर चुके हैं। लगता है कि इंटरनेट भी नहीं है और कनेक्टिविटी नहीं है, किसी भी नेटवर्क का नेटवर्क नहीं आ रहा है। वोडाफोन का लगा लो आप, बीएसएनएल का लगा लो, एयरटेल का लगा लो, किसी की गाँव में कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। उसी की वजह से हम जो हमारे बच्चे हैं इतनी प्रॉब्लम आती क्रिएट होती है कि हम किसी भी चीज से परेशान हो रहे हैं। वो भी बीच में कट जाता है बार बार, फिर दोबारा मिलाना पड़ता है, कभी तो मिलता ही नहीं है, बार बार करना पड़ता है। अगर जल्दी नहीं किया तो फिर हम ना अखनूर रोड बंद करवा देंगे, कर देंगे, हम उधर प्रदर्शन करेंगे कि हमारा इंटरनेट चालू करो जल्दी से जल्दी। अब नेटवर्क नहीं मिलता है, हम कभी कभी, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ, कभी कभी मैं अब व्हाट्सएप करके वीडियो कॉल करना पड़ता है, कनेक्टिविटी नहीं होती है। हम सारा पैसा पेमेंट करते हैं कंपनी को,
हम रिचार्ज करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे कनेक्टिविटी नहीं होती है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।